डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ईसीजी। क्या रहेगा हमारा टॉपिक? ईसीजी। ठीक है, ईसीजी सबसे पहले क्वेश्चन आता है ईसीजी होता क्या है। तो ईसीजी क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। क्या रहेगा? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम रहेगा। ठीक है, याद रखना। पहले तो ईसीजी की फुल फॉर्म आती है कि क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये होता क्या है? ये क्या होता है बेटा? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसके अंदर? इन हार्ट। कब होगा? जब हमारी मसल एक्साइटेड होगी, ड्यूरिंग एक्साइटेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाई जाएगी। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ईसीजी। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम बोला हमने, एक होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राफ आ गया तो हम ये क्या लिखेंगे? द इंस्ट्रूमेंट। क्या लिखेंगे? द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट ईसीजी, उसे हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा। क्वेश्चन आएगा ईसीजी की फुल फॉर्म बताइए, एक्सपेंड ईसीजी। तो आपको दो ऑप्शन हमेशा मिलते हैं, एक मिलेगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक क्या मिलता है बेटा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मिलेगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो बहुत बच्चे ग्राफ पर लगाते हैं, बिल्कुल गलत है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर आया कि इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प टू डिटेक्ट द ईसीजी, ऐसे करके आएगा, या फिर आएगा इंस्ट्रूमेंट मतलब हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द हार्ट करते हैं उसको, तो उसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ग्राफ आएगा। तो उल्टा कराते बच्चे, उसमें क्या कराते? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नहीं, वहाँ हमारा आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सबसे पहले आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। ये इंस्ट्रूमेंट है, आपने इसे मूवी वगैरह में देखा हो कि इस तरह से एक बड़ी सी मशीन होती है, यहाँ पे पेशेंट होता है, उसकी चेस्ट के ऊपर रोड से लगाई जाती है, उंगली में क्या होती है किस तरह से बटन टाइप में एक स्ट्रक्चर से लगाया जाता है, इसके अंदर उंगली इस तरह से होती है हमारी, तो लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक वेव्स, यहाँ पे करंट होता है, तो यहाँ इस मशीन से लगा होता है, फिर आप टिकते इस तरह से कि ये वेव्स आती हैं। क्या आती हैं? इस तरह से ये वेव्स आती हैं, आते ना इस तरह से। तो ये एक्चुअल में ये जो इंस्ट्रूमेंट लगा रहे, इसे हम क्या नाम दे रहे बेटा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इस टेक्निक को हम क्या नाम देंगे? ईसीजी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया वो डिफरेंस बिटवीन ईसीजी एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो दोबारा से रिवाइज करेंगे हम, ईसीजी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इंस्ट्रूमेंट अगर आएगा तो हम क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ये होता क्या है? सबसे पहले इसको बताया था वेलर ने, बताया था, लेकिन ओनली इसने क्या की थी? बताया था, बट द डिटेल स्टडी थी, द डिटेल स्टडी ऑफ ईसीजी इज गिवन बाय एंथोवन। इसका नाम याद रख लेना कि इन्होंने दिया था बेटा, ये एंथोवन ने दिया था। कि इन्होंने दिया था? एंथोवन ने, इन 1902। ये हार्ट के डिसऑर्डर किसकी स्टडी कर रहे थे? ये हार्ट डिसऑर्डर की स्टडी कर रहे थे, तब इन्होंने इसकी क्या दी थी? डिटेल स्टडी दी थी। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ ईसीजी। क्या कहा जाता है बेटा? फादर ऑफ ईसी। सबसे पहले तो वेलर ने बताया था, बट डिटेल स्टडी किन्होंने बताई थी? एंथोवन ने। सो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ ईसीजी। और इसके लिए इनको 1924 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो इसके साइंटिस्ट के नाम आपको याद होना चाहिए। ईसीजी के बारे में अगर डिटेल स्टडी आती तो हमेशा हमारा आंसर क्या होगा? एंथोवन। या फादर ऑफ ईसीजी भी आएगा तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंथोवन। अब इसमें आती क्या है? पूरे अपडेट्स के अंदर अगर